बात की है मोटे वाले के नाम से, सो उनको मुबारकबाद देने के लिए। और बचपन से ना मेरी एक आदत है कि मैं कभी भी, मेरा ये मानना है, मुझे लगता है मेरे साथ और भी लोगों का ये मानना होगा कि इंसान स्पेशली मैं बहुत फंसी हूँ अपने बालों को लेकर, यू कैन सी यू नो। तो मैं कभी भी, मुझे याद है मैंने ज़िंदगी में मुश्किल से 3 या 4 ऐसी जगह होंगी जहाँ मैंने अपने हेयर कट किया होगा या किया होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ही भरोसेमंद आदमी के हाथों अपने अपने आप अपने इस चीज़ को, अपने बाल, अपने चेहरे को सौंप पा सकते हैं। तो वही है, वही भरोसा है मुझे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। वेल, वो तो एक अलग जगह है वैसे, बट अभी शूट कर रहे हैं भैया जी ऊपर है। उसके अलावा एक धर्मा प्रोडक्शंस की एक फिल्म, थोड़ा जल्दी हो जाएगा उसके बारे में बात करना, वो उसके बारे में बात चल रही है। तो मौसम अभी नवंबर में वो शूट करें और रईस पूरी। रईस में आप हमेशा जब भी मिलते हैं बताते नहीं हैं क्या क्या करते नजर आएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव किस तरह का किरदार होगा या शाहरुख की राइट या लेफ्ट? नहीं नहीं, जब रईस बहुत जल्दी रिलीज़ पे है, मतलब अगले साल जनवरी तक आ जाएंगे, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। वैसे आप जानते हैं कि रईस की कहानी एक गुजरात बेस्ड किसी गैंगस्टर के ऊपर, ये सब जानते हैं, तो उसी का ही हिस्सा मैं भी। इट्स बेहतरीन बेहतरीन। कभी लोग बहुत बोलते थे कि वो अब एनर्जी का एक पुंज है जिसको कहते हैं, वो फील किया सेट पे उनके साथ काम करते हुए। ही इंस्पायर्स यू ऑल द टाइम एवरी सेकंड। हेडलाइंस 18। हेलो, दिस इज जयदीप अलावत और मैं आपको हेडलाइंस 18 के शुरुआत पे बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।